सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। हमारे मन में जो भी है उसे हमेशा सच और साफ शब्दों में कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से हमारे जीवन में अच्छे फैसले और झूठ बोलने से जीवन में फासले बढ़ते हैं। बैर या द्वेष की आग में जलता है, उन्हें रात में नींद नहीं आती। आज का पंचांग 13 दिसंबर 2021 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 9:33 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 2:05 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:22 से 9:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 2:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 13 दिसंबर 2021 दिन सोमवार, ज्ञान को बढ़ाने और अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिलने से आप उत्साहित हैं। एक सलाहकार की तलाश करें जो आपको सही गलत के बारे में बता सकते हैं। राजनीतिक संबंध आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाएंगे। नई शुरुआत के लिए आज का समय अच्छा है, हालांकि कुछ चिंताओं की संभावना है किंतु आप इन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। किसी यात्रा मुलाकात या समारोह के योग भी बन रहे हैं। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वो मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था को भी दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बनाएंगे। दिन की शुरुआत से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितनी कठिनाइयां आपके काम में आने वाली है उतनी कठिनाइयों का हल ढूंढ पाना भी संभव होगा। अपने हौसले को बरकरार रखना आपके लिए आवश्यक है। व्यापार और विदेश में काम करने वाले को थोड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है। लव मैरिज के लिए परिवार के लोगों को मानना कठिन महसूस होगा। हिम्मत जल्दी ना हारे। सावधानियां, खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। बाहरी व्यक्ति से झगड़ा तथा अनबन जैसी स्थिति भी बन रही है। बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान ना देकर अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने जीवन साथी से विवाद या मतभेद की स्थिति में आपकी माता आपके लिए क्यूबिक का काम करेगी। साथी के भाई बहन के साथ आपका एक अलग ही बॉन्ड महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो सपनों की रानी या राक्षस मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। घर के संकट दुर्घटना आदि से सावधान रहें। कोई यात्रा समारोह या पार्टी आज आपके कार्ड्स में है। नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्ते में नई जान डालने के लिए आज का समय अच्छा है। घरेलू उतार चढ़ाव, नई योजनाएं और फ्रेश खोजें आपका इंतजार कर रही है। आपकी किस्मत में एक लंबा और प्यार भरा संबंध है, बस जीवन में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या यात्रा की संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से भी मिल सकते हैं। अधिकारी व मालिक को प्रभावित करके आप अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। आप इस समय किसी भी चिंता या परेशानी का अच्छे से सामना कर सकते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या आज आपके लिए
तनाव का कारण मिल सकती है। लघु यात्रा बैठक या सभा की भी संभावना है। कोई भी अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान और दिनचर्या की वजह से पेट खराब रह सकता है तथा गैस और वायु की समस्या भी परेशान करेगी। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।